तो आज के क्लास में हम लोग समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, साथ में हम लोग समझेंगे शेप, शेप या ज्योमेट्री, शेप या ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ये हम लोग कैसे लिखते हैं तो समझते हैं. तो इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए. कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको निकालने आता है तो उसके मदद से हम लोग समझ जाएंगे. ट्रिक मैं आज आपको बता रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन और शेप हम लोग कैसे निकालते हैं. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे सी एन मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर. CN कोऑर्डिनेशन नंबर, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली चार या छः आएगा, या तो जनरली आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर या तो चार आएगा या छः आएगा. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर चार आ रहा है तो उसमें दो बात होगा, यहाँ पर हमको देखना है, दो चीज़ देखना है. हाइब्रिडाइजेशन, आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है या तो sp3 हम लोग लिखेंगे या DSP2 आएगा. तो ये sp3 का जब वीक लिगांड्स हो, वीक लिगांड्स होगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3, और जब स्ट्रॉन्ग लिगांड्स होगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपका आ जाएगा DSP2. और जब हाइब्रिडाइजेशन हमको sp3 आता है तो शेप जो है वो आपका आ जाएगा टेट्राहाइड्रल. अगर DSP2 आ रहा है तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आना चाहिए, चार. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर चार आए तो हाइब्रिडाइजेशन दो तरह का आएगा आपको, या तो sp3 आएगा या DSP2 आएगा. sp3 आएगा कब, जब वीक लिगांड्स रहेगा. sp3 आएगा कब, जब वीक लिगांड्स रहेगा. और DSP2 आएगा कब, जब स्ट्रांग लिगांड्स रहेगा. अब sp3 अगर आ रहा है तो शेप जो है उसका हो जाएगा टेट्राहाइड्रल. जब DSP2 आ रहा है तो शेप जो है वो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर. तो ये स्ट्रांग लिगांड्स जो होता है, मैं बता दे रहा हूँ कि स्ट्रांग लिगांड्स कौन सब होते हैं. पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर भी दो बात, अगर वीक लिगांड्स हो, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स हो और आपका क्या हो, वीक लिगांड्स हो, तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3 d2. और अगर स्ट्रॉन्ग लिगांड्स हो, अगर लिगांड्स स्ट्रॉन्ग होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा d2sp3. और इस दोनों के केस में शेप जो है वो आपका ऑक्टाहाइड्रल ही होता है, ऑक्टाहाइड्रल्स. तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जनरली तीन तरह का शेप होता है, या तो टेट्राहाइड्रल होगा, या स्क्वायर प्लेनर होगा, या ऑक्टाहाइड्रल होगा. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग लिगांड्स कौन सा है, ये आप ध्यान में रखिएगा. स्ट्रॉन्ग लिगांड्स बुक में वैसे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ हम स्ट्रॉन्ग लिगांड्स का लिख देते हैं एग्जाम्पल, जैसे CN- जैसे C2O4, 2- जैसे EN- NO3- माइनस
NH3 ये सारा जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगांड्स है CO ये, तो इतना आप याद रखेंगे कि ये सारा जो है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगांड्स है CN-C2O4-2-EN-NO3-NH3 और CO, इतना स्ट्रॉन्ग लिगांड्स है याद रखना है। इसके अलावा जो भी होगा वो वीक लिगांड्स के अंतर्गत आ जाएगा। वैसे स्ट्रॉन्ग लिगांड्स और वीक लिगांड्स के लिए आप बुक में जाइए, डिटेल से आप देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है, आपको वहाँ पर बात समझ में आ जाएगा, या गूगल पर जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन और ये क्या शेप क्या होगा। जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है, देगा आपको जैसे Ni है और यहाँ पर CO है और यहाँ पर 4 दिया हुआ है, और हमको इसमें पूछ देगा, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं इसी में, जैसे Ni है और CO है Cl है और 4 है और इस पर 2- है, चलिए इस दोनों में हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन और शेप जो है वो क्या आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो जितना लिगांड्स होता है, लिगांड्स कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ लिगांड्स। मोनोडेंटेड है तो कुछ नहीं करेंगे, अगर बाईडेंटेड हो तो जितना लिगांड्स होता है उसको 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बाईडेंटेड टाइप ऑफ लिगांड्स वाला वीडियो आप सेकेंड वीडियो आप देखिए, वहाँ पर आपको समझ में आएगा पार्ट सेकेंड। तो यहाँ पर जब हम इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम निकाल लेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, देखिए लिगांड्स कितना है 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या आ गया 4। अब उसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इस रूट में आप जाइए, देखना है कि वीक लिगांड्स है कि स्ट्रॉन्ग लिगांड। तो CO है लिगांड, CO जो है आपका स्ट्रॉन्ग लिगांड्स के अंतर्गत आ जाता है, CO स्ट्रॉन्ग लिगांड्स आ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगांड्स जब ये होगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगांड्स वाला ये इस रूट में जाइए, अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DSP2। जब ये DSP2 हाइब्रिडाइजेशन आया तो शेप जो है वो आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पर आप शेप लिख लेंगे, ये आपका आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ये बहुत ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो अगर बुक के मेथड से पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा, आप बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन, बहुत तरह का बात रूल सब होता है, उतना आपको करने का कोई ज़रूरी नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेना है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के बाद देखना है कि जो लिगांड्स है वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि CO जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगांड्स में आता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगांड्स के अनुसार ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये वाला रूट पकड़िए, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया DSP2। जब हाइब्रिडाइजेशन DSP2 आता है तो शेप जो है वो हमारा हो जाता है स्क्वायर प्लेनर। चलिए अब इसी में इस कंपाउंड में देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर जब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब हमको देखना है कि किधर जाना है, ये वीक लिगांड्स की तरफ जाना है कि स्ट्रॉन्ग, तो देख लेते हैं Cl कौन लिगांड्स है। देखिए Cl इसमें दिया हुआ नहीं है, इस सारे को छोड़कर CN- इस सब में से कोई भी, देखिए Cl नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब Cl जो है वो वीक लिगांड्स है, Cl जो है आपका कौन लिगांड्स है, वीक लिगांड्स है। तो वीक लिगांड्स वाला आप रूट को पकड़िए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया है, वीक लिगांड्स हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा आपका, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपका आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। उसके बाद हम लोग को शेप, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाता है तो शेप जो है वो क्या हो जाता है, टेट्राहाइड्रल। तो शेप जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा इसका टेट्राहाइड्रल। आ गया बात समझ में, अब खुद से भी बुक में जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ पर भी आपको बात समझ में आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास में एग्जांपल दिया हुआ है Fe²C
के फोर एफ ए सी एन सिक्स, एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल है, चलिए सेम टू सेम लिखने, देखिए के फोर एफ ई के फोर फोर जेड एन सी एल सिक्स, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें दोनों में देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर और ये शेप और हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। तो यहाँ पर जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, सिक्स। ये लिगान देखिए सी एन कितना है, सिक्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, सिक्स। अब इसका हम लोग क्या देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि सी एन जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगांस है कि वीक लिगांस। तो सी एन जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगांस का एग्जांपल है, सी एन स्ट्रॉन्ग लिगांस है तो स्ट्रॉन्ग लिगांस। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, सिक्स, तो ये वाला रूट पकड़िए, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, और कहाँ जाना है आपको, स्ट्रॉन्ग लिगांस। तो स्ट्रॉन्ग लिगांस हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, डी टू एस पी थ्री, इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपका आ जाएगा डी टू एस पी थ्री, हो गया। अब शेप देखेंगे तो शेप तो वो आपका आ जाएगा ऑक्टाहाइड्रल, शेप जो है वो आ जाएगा ऑक्टाहाइड्रल। चलिए अब इस केस में देखते हैं, इसमें हम भी हम देखेंगे तो ये सिक्स है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमारा सिक्स आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है, सिक्स। अब हम लोग इसका क्या देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। जब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो सिक्स आया, अब देखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगांस है कि वीक लिगांस है, क्या देखेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगांस या वीक लिगांस। तो देखिए लिगांस कौन है, सी एल, और सी एल इसमें दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब जो है ये वीक लिगांस है। तो सी एल वीक लिगांस है, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, सिक्स और वीक लिगांस वाला रूट को पकड़िए इधर। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा है, एस पी थ्री डी टू, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका एस पी थ्री और डी टू, और शेप जो है वो ऑक्टाहाइड्रल, दोनों के केस में शेप जो है वो आपका ऑक्टाहाइड्रल ही आता है, ऑक्टाहाइड्रल। तो बात समझ में आ रहा है आपको, अब इसको आराम से देखिए आपको समझ में आएगा। इसको थोड़ा बार बार थोड़ा देखिए, थोड़ा रुक के देखिए, और इसको कॉपी पर नोट्स कीजिए, और आपको ज़्यादा अच्छा से बात समझ में आएगा। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं,